छात्रों एवं छात्राओं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आज हम खड़ी बोली के महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जीवनी पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 को आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। अयोध्या सिंह जी के पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। शुरू शुरू में ये बनारस पढ़ने के लिए गए, लेकिन अस्वस्थता के कारण विद्यालय में पठन पाठन न हो सका तो इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला एवं अंग्रेजी में अध्ययन किया। 1883 में ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो गए। 1890 में कानूनगो की परीक्षा पास करने के बाद आप कानूनगो बन गए। सन 1923 में कानूनगो के पद से अवकाश लेने के उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इनका निधन 16 मार्च सन 1947 को हो गया। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार श्री हरिऔध जी का सृजन काल हिंदी के तीन युगों में विस्तृत है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी। इसीलिए हिंदी कविता के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। उन्होंने संस्कृत छंदों का हिंदी में सफल प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्ण वृत्त में करके जहां इन्होंने खड़ी बोली को पहला महाकाव्य दिया। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास आपके महाकाव्य हैं। चोखे चोपते, चुपते चोपते, कल्पलता, बोलचाल, परिजात और हरिऔध ससई मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। ठेठ हिंदी का ठाट और अधखिला फूल नाम से आपने उपन्यास भी लिखे। इसके अतिरिक्त नाटक और आलोचना में भी आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनकी काव्यकृति प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषक प्रदान किया। उसके बाद उन्हें कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। कृतियां काव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्य उपवन, रस कलश, बोलचाल, चोखे चोपते, चुपते चोपते, परिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध ससई। उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल। नाटक रुक्मिणी प्रणय, प्रद्युम्न विजय। ललित निबंध संदर्भ सर्वस्व, आत्मकथात्मक, इतिवृत्त, आलोचना। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास विभूतिमती ब्रजभाषा, संपादन कबीर बचनावली। उपाध्याय जी की प्रतिभा का विकास पुस्तक कवि के रूप में हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। खड़ी बोली काव्य रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली काव्य के रचनाकारों में आते हैं। इन्होंने अपने कवि कर्म का शुभारंभ ब्रजभाषा से किया। रस कलश की कविताओं से पता चलता है कि इस भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, किंतु इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में रचना करने के लिए प्रेरणा दी और खड़ी बोली काव्य रचना करने लगे। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली का परिमार्जन
और संस्कार किया। प्रिय प्रवास वियोग सिंगार पर आधारित महाकाव्य है चौखे चौबते और चुपते चौबते। ये प्रतिभा संपन्न मानववादी कवि थे, इन्होंने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के मानवीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। उससे इनके आधुनिक दृष्टिकोण का पता चलता है। इनके श्री कृष्ण नटनागर होने की अपेक्षा लोक रक्षक नेता हैं। रसछंद अलंकार। हरिऔध जी के काव्य में प्रायः संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुणा, वियोग, सिंगार, वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना है। हरिऔध जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में इन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, शवैया, छप्पे दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया है। बाद में इन्होंने इंदुवज्रा, सिकारणी, मालिनी, वसंत, तिलका, शार्दूल, मत्क्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। अलंकार। रीतकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु इनकी कविता कामनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। हरिऔध जी ने शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों ही को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक इनके प्रिय अलंकार है। हिंदी में स्थान। हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। हरिऔध जी में एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में मील का पत्थर माना जाता है।